गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ द कंप्यूटर क्लास ऑफ स्टैंडर्ड टू एंड इट इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि मैं इस चैप्टर में आपको पहले से बताया था कि हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर जो है वह कैसे काम करता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग मशीन जो है वह कपड़े को कैसे धोता है। इसको मैंने आपको प्रोसेसिंग बाय हर एक प्रोसेस से, हर एक स्टेप से मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वह एक कंप्यूटर काम करता है। इसके बाद जो है आपको सिमिलरली जो है वह आपको देखना है कि कंप्यूटर और भी कैसे किस बेस पे काम करता है। तो सिमिलरली द कंप्यूटर विच इज ऑल्सो ए मशीन फ्लो द सेम थ्री सिमिलर सिंपल स्टेप्स, स्टेप वन इनपुट, स्टेप टू प्रोसेस, स्टेप थ्री आउटपुट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट स्टेप है वह है इनपुट। जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क को इनपुट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर जो है वह सेकेंड स्टेप लेता है प्रोसेस। वह प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद रिजल्ट जो है आउटपुट करता है। आउटपुट थर्ड स्टेप हो जाता है, मतलब थर्ड स्टेप में जो है वह कंप्यूटर आउटपुट देता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। दिस सीक्वेंस इज नोन एज IPO। IPO स्टैंड फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यह जो सीक्वेंस है जो है यह सीक्वेंस यह IPO जो है वह स्टैंड रहता है इनपुट, I का मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेस और O का मतलब आउटपुट। तो इनपुट क्या है, हम समझेंगे इनपुट के बारे में कि इनपुट क्या है। तो इनपुट इज द डाटा विच वी गिव टू द कंप्यूटर। इनपुट जो है वह डाटा होता है जो हम कंप्यूटर में देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। द डिवाइस विच आर यूज टू इनपुट डाटा आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। द टू मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर के जरिए जो है हम लोग इनपुट देते हैं और यह इनपुट करने का कहाँ पर स्टैंड होता है, तो इनपुट जो है वह कीबोर्ड और माउस के जरिए होता है। हम लोग कीबोर्ड से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, माउस से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद जो है वह किसी भी काम को स्टार्ट करता है। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, तो द कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट डाटा विच इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं तो वह काम को प्रोसेसिंग में लगाता है, वर्क जो है वह प्रोसेस में चला जाता है। और प्रोसेस करने के बाद जो है प्रोसेसिंग CPU जो है वह प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। CPU जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CPU जो है वह ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो इसलिए CPU जो है वह प्रोसेसिंग करता है इनपुट देने के बाद, उसके बाद आउटपुट देता है, उसके बाद आपको आउटपुट। आफ्टर द प्रोसेसिंग द फाइनल टेक्स्ट दैट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। और जब CPU प्रोसेसिंग करता है इनपुट देने के बाद, जब वह प्रोसेसिंग करता है तो फाइनल रिजल्ट जो है वह आउटपुट के रूप में निकलता है। तो आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं जिससे कि यह निकलता है प्रोसेसिंग के, आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आउटपुट होता है। तो इसमें है, फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर जो है वह आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है और यह आउटपुट देता है, यह कंप्यूटर से आउटपुट देता है और फाइनली हमें जो है वह रिजल्ट निकलता है। तो इसके बाद जो है आपको चैप्टर यह 3 ख़त्म हो गया है। आप लोगों को इस चैप्टर में टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू और फॉल्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बहुत ही ईजी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे बहुत ईजी है, इसको आपको अच्छे से समझना है और बना लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।